तो गाइस आज की जो एक्सपेरिमेंट होने वाली है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आज की जो एक्सपेरिमेंट होगी वो हमारी होगी क्या होगी, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो क्या आपने कभी वाटर में हल्दी, ये सर्फ और नींबू, इन तीनों को मिलाकर क्या आपने कभी रिएक्शन किया है? इन तीनों को मिलाकर आप देखेंगे वाटर का जो कलर होगा एक अलग ही तरीके का एक कलर होगा, एकदम अलग तरीके का एकदम कलर होने वाला। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो करते हैं शुरू। हाँ जी, की हाल चाल, सब बढ़िया? तो देखिए यहाँ हमारे पास वाटर है। ठीक है, अभी हम इस गिलास में, ट्रांसपेरेंट गिलास है तो ये आपको पूरी तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, तो गिलास में हम डाल देते हैं सबसे पहले वाटर। तो हमने वाटर ले लिया है और अब हम इसे मिला देते हैं टर्मेरिक हल्दी। ठीक है, तो यहाँ हम इसे मिला देते हैं टर्मेरिक। ठीक है, हल्दी हमने मिला दिया इसमें और इसे फिर हम मिक्स करते हैं। अभी इसका कलर देख सकते हैं, अभी कैसा येलो हो गया कलर, ये सर। ठीक है, हमने यहाँ ऐड कर दिया था। देखिए अभी इसका कलर किस तरीके से इसका कलर होने लगा था। अभी इसको मिक्स करते हैं। देखिए फिर सर डालने की वजह से इसका कलर कैसा हो गया, एकदम कोका कोला जैसा होता है वैसा। आप देखिए, आप गौर से देख सकते हैं, देखिए जैसा कोका कोला होता है उस तरीके का इसका कलर हो गया। इसमें ऐसा इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ। अभी भी सर पूरी तरीके से नहीं मिला। जब आप पानी में जब आप सर्फ डालते तो कैसा होता है, मतलब कलर जैसा वाटर, मतलब कि नॉर्मली रहता है, बस उसमें ऊपर पर क्या होता है, झाग होता है। लेकिन जब हमने टर्मेरिक में, जब हमने हल्दी में, जब हमने सर्फ डाला तो इसका कलर देख सकते हैं, पूरा कोका कोला तो आपने पिया ही होगा। देखिए वैसा ही इसका कलर हो गया, एकदम कोका कोला की तरह। तो अब हम इसमें लास्ट मिला देते हैं हमारा लेमन। ठीक है, अब लेमन भी ऐड करके ऐसे मिक्स करेंगे, मिला देंगे, फिर देखेंगे इसका कलर कैसा होता है। तो आप मतलब आप देख सकते हैं कि जब हमने मतलब लेमन हमने नहीं हमने डाला था लेमन नींबू हमने नहीं डाला था तो इससे पहले इसका कलर क्या था, मतलब हल्का था, ज़्यादा गहरा नहीं था। लेकिन जैसे मैंने फर्स्ट मतलब पहला ही बूंद जैसे किया ना लेमन का, वैसे इसका कलर और इसका ज़्यादा डार्क होने लगा। तो देखिए वाह, इसका कलर देख सकते हैं कितना ज़्यादा डार्क हो गया, लग रहा आपको ठीक लग रहा होगा एकदम कोका कोला की तरह, है ना, कोका कोला जैसा, मतलब ऊपर में जैसा फेन आता है, झाग आता है, वैसा ही हो चुका। तो देख सकते इसका कलर कितना ज़्यादा डार्क हो गया। तो यही थी आज की हमारी केमिकल रिएक्शन, जो हमारी एक्सपेरिमेंट थी। सिर्फ एक पानी में हमने हल्दी मिलाया और हल्दी के बाद जैसे ही हमने सर्फ हमने डाला, ज़रा हल्का हल्का होने लगा। लेकिन जब हमने इसमें लेमन हमने ऐड किया, नींबू, तो इसका कलर और भी ज़्यादा डार्क हो गया। देन ये एकदम लग रहा कैसा, एकदम कोका कोला की तरह, है ना, मुझे तो उससे भी ज़्यादा ये लग रहा। तो ठीक है, आपको ये एक्सपेरिमेंट आज की अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं ऐसे धमाकेदार वीडियो में। गुड बाय।